DNN News sponsored by Deepak Jeweler, Lakkad Bazaar, Solan 98160-78655। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि यह योजना 6 जनवरी को आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत पारंपरिक हस्तकला, हस्तशिल्प, स्थानीय कलाकृतियों, लकड़ी व धातु शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करने का मकसद है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान करना भी सरकार का अहम मकसद है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 7500 रुपये तथा प्रशिक्षणार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम आज की इस तारीख में कर रहा है और मेरा भी ये मानना है कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और हमारा प्रदेश तो गांव में ही रहता है, गांव में ही बसता है, गांव में ही जीता है। इसलिए गांव के हमारे लोगों को आर्थिक दृष्टि से सहयोग मिले, रोजगार का माध्यम मिले और उसके साथ साथ में जो उनमें हमारी जो कला छिपी हुई है, जिसका उनको ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ऐसे में उस सारी चीज को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए काम करने की जरूरत है कि जो गांव में हमारी जो पुरानी संस्कृति रही है उसको भी हमको रिवाज करना चाहिए। संस्कृति के साथ साथ में जो कला रही है उसको भी हमको रिवाज करना चाहिए। तो ऐसी सोच के साथ ये नई योजना जो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना की हमने शुरुआत की इस बार बजट में, बहुत सारे हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट हैं गांव में, ऐसे लोग हैं जो बहुत पुरानी चीजों को अभी भी सहेज करके रखे हुए हैं। हमारे पारंपरिक कलाएं, चाहे वो हमारे वो शिल्पकार हैं, चाहे हमारे वो शॉल बनाने वाले, परिधान बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले, टोपियां, जुराबें, चंबा रुमाल, कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीजें और उसके साथ साथ में जो हमारी टोकरी बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम और उसी तरह से जो खास तौर से जो लकड़ी के ऊपर जो हम उसमें कार्विंग करके बहुत सारी चीजें, बहुत सुंदर चीजें हम बनाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट गांव में हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जो जरूरत थी उसको पूरा करने की दृष्टि से इस योजना के माध्यम से हमने पहल की और आज वो पहल आगे बढ़ी है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो इसमें सिखाएंगे उनको 7500 रुपए जो है उसमें उनको दिया जाएगा और उसके साथ साथ में एक ग्रुप में 5 लोग जो है एक साथ उसमें सीख सकते हैं और उसमें ये भी हमने तय किया है कि जो सीखने वाला है क्योंकि वो भी समय देगा, क्योंकि उसमें भी ऐसी परिस्थिति में जो है वो समय दे करके उसको अपने उस काम के लिए जाना पड़ेगा तो उसके लिए सीखने वाले को भी 3000 रुपए का उसमें हमने प्रावधान रखा है, 3000 रुपए उसको भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।